हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीतू पटेल टिप्स फॉर वुमेन। और फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इस बेलपत्र से जुड़ी कुछ बातों को लेकर। तो फ्रेंड्स, सावन के महीने में बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है और इसका क्या महत्व होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और यदि आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसके महत्व के बारे में जानेंगे। हिंदू धर्म में बेलपत्र का खास महत्व बताया गया है। इसका प्रयोग खास तौर पर शिव जी की पूजा करने के लिए किया जाता है। जब भी आप शिव जी की पूजा करते हैं तो बेलपत्र के बगैर इनकी पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि बेलपत्र जो होता है वो शिव जी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, इसलिए शास्त्रों में भी इसका खास महत्व बताया गया है। हिंदू धर्म में सावन का जो महीना होता है उसे खास तो महत्व दिया गया है। विशेष तौर पर इसमें शिव जी और शिवलिंग की पूजा की जाती है। शिव पुराण के अनुसार सावन का जो महीना होता है उसमें सोमवार के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से 1 करोड़ कन्यादान के बराबर फल प्राप्त होता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, शिवलिंग पर आप बेलपत्र से पूजा करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो इससे आपकी दरिद्रता खत्म होती है और सौभाग्य का भी उदय होता है। शास्त्रों में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि बेलपत्र से शिवलिंग की पूजा करने से ना केवल भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है बल्कि उनके जो अंश अवतार बजरंग बली जी हैं वो भी प्रसन्न होते हैं। शिव पुराण के मुताबिक घर में यदि आप बेल का जो वृक्ष होता है उसको अगर आप लगाते हैं तो पूरे घर में कई प्रकार के जो पाप होते हैं उनसे मुक्ति मिल जाती है। और जिस जगह पर बेल का वृक्ष होता है यानी कि बेल का जो पौधा होता है उसे काशी तीर्थ के समान पूजनीय भी और पवित्रनीय बताया गया है। ऐसे स्थान पर साधना और आराधना करने से, पूजा पाठ करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, जो भगवान शिव हैं उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आप सावन के पवित्र माह पर हर सोमवार यदि बेलपत्र से शिव जी का पूजन करना चाहते हैं तो इसके पूजन करने से मनुष्य के जीवन के जितने भी कष्ट हैं वो सारे दूर हो जाते हैं और भगवान शिव के साथ साथ बजरंग बली की कृपा भी उन पर बनी रहती है। तो फ्रेंड्स, ये था बेलपत्र को यदि आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो इससे क्या आपको फल प्राप्त होते हैं, इसका क्या महत्व होता है, इसके बारे में हमने बताया आपको। और फ्रेंड्स, इसका ज़रूर आप ध्यान रखिए कि जब भी आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो हमेशा उसमें 3 पत्तियां होनी चाहिए। शिवलिंग की जो 3 पत्तियां एक दूसरे से जुड़ी होती हैं वो 3 पत्तियां सुरक्षित होनी चाहिए, यानी कि कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कोई छेद नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से पत्तियों को आप भगवान शिव के जो शिवलिंग होता है उस पर अर्पित कीजिए, जिससे आपको सारे फलों की प्राप्ति होगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इन बातों को ध्यान में रखकर हर सावन का जो सोमवार होता है उस पर यदि आप भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो इससे आपको पूरे लाभ मिल जाते हैं और भगवान शिव की आराधना और पूजा की पूरी प्राप्ति होती है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस तरह की और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन को जरूर ऑन कर लें ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आएँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।